ઓમ શાંતિ. 8th December 75 અવ્યક્તવાણી બચ્ચોં કી વિભિન્ન સ્ટેજીસ સદા વિજય સ્વરૂપ બનાને વાલે સર્વ વરદાનોં કે અધિકારી ઓર વિશ્વ દ્વારા સદા સત્કારી બનાને વાલે વિશ્વ કલ્યાણકારી પિતા બોલે અશરીરી ભવ યહ વરદાન પ્રાપ્ત કર લિયા હૈ જિસ સમય સંકલ્પ કરો कि मैं अशरीरी हूँ उसी सेकेंड स्वरूप बन जाओ. ऐसा अभ्यास सहज हो गया है. सहज अनुभव होना यही संपूर्णता की निशानी है. कभी सहज, कभी मुश्किल, कभी सेकेंड में, कभी मिनट में या और भी ज्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है. સદા સહેજ અનુભવ હોના યહી સંપૂર્ણતા કી પરખ હૈ. અભી અભી બાપ દાદા વિદેશ ઓર અપને ભારત દેશ કે સર્વ બચ્ચોં કી દેખરેખ કરને ચક્કર પર નિકલે. ચક્કર લગાતે વિશેષ બાત ક્યા દેખી? તીન પ્રકાર કે બચ્ચોં કો દેખા. એક, જ્ઞાન રત્નો ઓર યાદ કી શક્તિ કે દ્વારા सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले निरंतर चैतन्य चात्रक जो हर सेकेंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले जिन्हें सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं. रात है अथवा दिन है, लगन एक रस है. ऐसे चैतन्य चात्रक विदेश में और भारत में दोनों ही स्थानों पर देखे. दो, सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान्स बनाने में व्यस्त. सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले लेकिन सर्व शक्तियों का हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का वा अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति नहीं. खुशी का अनुभव विशेष लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले नॉलेजफुल का अनुभव ज्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले ज्ञान का सुमिरन ज्यादा समर्थी स्वरूप कम. ऐसे बच्चे भी देखे. तीन, दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए सदा पुरुषार्थ में व्यस्त. पुरुषार्थ में समय ज्यादा और प्राप्ति के समय के कम अनुभव वाले किसी न किसी समस्या का सामना करने में ही ज्यादा समय लगाने वाले मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले हैं. अति इंद्रिय सुख के झूले में अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय रहने वाले ऐसे भी बहुत देखे. पहले नंबर के छात्रों की स्थिति सदा यही रही. जो पाना था वह पा लिया. अब समय भी बाकी थोड़ा रहा है. दूसरे नंबर वाले जो सर्विसेबल नॉलेजफुल ज्यादा पावरफुल कम थे उनकी स्थिति यह रहती है कि पा लिया है, मिल रहा है और निश्चय है कि पा ही लेंगे. खुशी के झूले में झूलते हैं लेकिन बीच बीच में झूले को तेज झुलाने के लिए कोई आधार की आवश्यकता है. वह आधार क्या है? कोई अन्य द्वारा की हुई सर्विस प्रति हिम्मत उल्लास दिलाने वाला हो अर्थात बहुत अच्छा करने वाला हो. नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है. तो रुके हुए को चलना चाहिए. पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है. तीसरी स्टेज वालों की स्थिति कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर
अति हर्षित और कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाले किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़े समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत, क्या करूं कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट नुंदा हुआ है और कल पहले इतना ही हुआ था, ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा इस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते रहते हैं। ऐसे तीन प्रकार के बच्चे देखे, समय के प्रमाण, वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति का अधिकारी बना दिया है। ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। विदेशी ग्रुप जो लास्ट इज फास्ट कहलाते हैं, फास्ट इज फर्स्ट कहा जाता है, तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है वह सब फर्स्ट स्टेज वाले होना। फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त, हर सेकेंड अनुभव में मगन रहने वाले, ऐसा है ना? कभी और अभी कहने वाला नहीं, कभी यह होता और कभी वह होता यह नहीं, सदा एक के रस में रहने वाले और एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता है फर्स्ट है। बाप दादा को भी ऐसे लास्ट सो फास्ट वाले बच्चों पर नाज है। हरेक के मस्तक की तकदीर की लकीर बाप दादा तो देखते हैं ना कि हरेक बच्चे का भविष्य क्या है, भविष्य को देख हर्षित होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बच्चे हैं, जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे। अभी तो विशेष विदेशियों के अर्थ है ना, कुछ यहाँ बैठे हैं सम्मुख और कुछ विदेश में दिन रात इसी ही याद में रहते, वह क्या अनुभव कर रहे हैं? जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है तो सब अपना अपना स्विच ऑन करके रखते हैं, सबका अटेंशन उस एक तरफ ही होता है। ऐसे ही विदेश में चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। सबका संकल्प यही एक मधुबन की स्मृति का है। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाप को इस संगठन में सम्मुख दिखाई देते हैं। अच्छा, ऐसे साकार रूप में सम्मुख बैठने वाले व आकारी रूप में बुद्धियोग द्वारा सम्मुख बैठे हुए ऐसे सदा विजयी स्वरूप अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले प्राप्ति स्वरूप सर्व वरदानों के अधिकारी विश्व द्वारा सदा सत्कारी और विश्व प्रति सदा कल्याणी ऐसे विश्व के दीपकों को बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।